आज के हमारे चैप्टर का नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयन एंड द काराकोरम माउंटेन रेंजेस। तो जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे हिमालयाज आते हैं, दूसरा काराकोरम माउंटेन रेंजेस आती हैं, द पूर्वाचल हिल रेंजेस, और तीसरी चीज़ आती है पूर्वाचल हिल रेंजेस। द हिमालयाज, द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। अब जो हमारे हिमालयाज है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। मोस्ट पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। अब पीक्स यानी कि जो चोटियाँ होती हैं, अब जो हमारी माउंटेन्स की जो चोटियाँ होती हैं वो ज़्यादातर हमारी स्नो से ही ढकी रहती हैं। द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब जो माउंट एवरेस्ट है हमारी हिमालयाज में वो सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट लाइज़ ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, और वो कहाँ लाई करता है, हमारा नेपाल और चाइना के बॉर्डर के बीच में। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस। अब जो हमारे हिमालयाज होते हैं उसके अंदर तीन पैरेलल रेंजेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, दे आर द ग्रेटर हिमालय। सबसे पहला आता है ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री भी बोलते हैं हम उसे, द मिडल हिमालय उसे हिमाचल बोलते हैं, द आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक बोलते हैं। अब हम इस पेज पे अगर नीचे देखें तो इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ दे रखी हैं जिसके अंदर इन्होंने उन लोग पर्सन के नेम्स और फ़ोटो दी हुई है जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर चुके हैं। द ग्रेटर हिमालय, अब जो ग्रेटर हिमालय है सबसे पहले वाला हमारा, द ग्रेटर हिमालय इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। अब जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो एक्सट्रीम नॉर्थ यानी कि बिल्कुल नॉर्थ की तरफ प्रेजेंट है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द थ्री रेंजेस, अब ये हमारी तीनों रेंजेस में सबसे ज़्यादा ऊँचा है। द इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, अब ये पूरे साल ही स्नो से कवर्ड रहता है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दीज माउंटेन्स, अब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो हमारी बर्फ़ होती है वो, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स हमारी बर्फ़ की चट्टाने होती हैं। मैनी रिवर्स सच एज इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। अब जो हमारी रिवर्स होती हैं जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये तीनों हमारी ग्लेशियर से ही निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं यानी कि स्टार्ट होती है वहीं से। कंचनजंगा इज़ अ वेरी हाई पीक इन दिस रेंज, अब जो कंचनजंगा होता है वो हमारी सबसे ऊंची चोटी होती है ग्रेटर हिमालयाज में। द मिडल हिमालयाज लाइज टूवर्ड द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। अब जो हमारा मिडल हिमालय है वो हमारा ग्रेटर हिमालय के साउथ में प्रेजेंट होता है। इट इज़ लोअर इन हाइट दैन द ग्रेटर हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालयाज से हाइट में छोटा होता है। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, अब जो माउंटेन स्लोप्स होती हैं यानी कि जो हमारी पहाड़ों की ढलाने होती हैं वहाँ पर बहुत सारे घने जंगल होते हैं पाइन के। पाइन एक ट्री होता है जो मोस्टली हमारा माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, जैसे कि हमने क्रिसमस ट्री देखा है उस तरह का होता है वो। फिन एंड डियोडार, और उसके अलावा कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट ऑफ पाइन, फिन एंड डियोडार, फिन और डियोडार, ये भी हमारे मोस्टली माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड एयर। अब ये जो नैनीताल है, दार्जिलिंग है और शिमला है, ये हमारा मिडल हिमालयाज में सिचुएटेड है। मोस्टली हम लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं हिमालयाज वगैरह में, और फिर हम वहाँ पर कितनी स्नो भी देखते हैं, तो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर स्नो रहती ही रहती है। द आउटर हिमालयाज, अब जो बाहर वाले की तरफ, बाहर की तरफ हिमालयाज हैं, द आउटर हिमालयाज इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ द मिडल हिमालयाज। अब जो हमारे आउटर हिमालयाज होते हैं वो मिडल हिमालयाज के साउथ में लोकेटेड होते हैं। इट इज़ द लोएस्ट इन हाइट, ये सबसे कम होते हैं हाइट में तीनों में से, यानी कि ग्रेटर, मिडल और आउटर में से आउटर हिमालयाज की हाइट सबसे कम होती है।
दिस रेंज इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब ये जो रेंज होती है ये फॉरेस्ट से कवर्ड होती है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और बहुत सारे जंगली जानवर भी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।